तो इस चैप्टर का बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्दर करने जा रहे हैं, वो है ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आने की प्रोबेबिलिटी भी फुल है। ओम्स लॉ क्या है? ये ओम्स लॉ दैट गिव्स द रिलेशनशिप, किस चीज़ का रिलेशन देता है ये ओम्स लॉ? दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है क्या ये ओम्स लॉ? क्या डेफिनेशन है इसकी? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मीन्स अगर टेम्परेचर को क्या रखते हो? कॉन्स्टेंट रखते हो। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट क्या होता है किसी कंडक्टर के थ्रू? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे अप्लाई करते हैं? दो एंड्स पे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। करंट को किससे डिनोट करते हो बेटा? करंट इज डिनोटेड बाय आई। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना हो, अकॉर्डिंग टू दिस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? वी। हाँ, अगर ये याद नहीं रहता इतना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वो कुछ नहीं याद रखने की जरूरत। ये याद रख लो, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I आपको पता है क्या? करंट। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अब आपको पता है फ्लो ही करता है, ना भी याद रहे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और आइदर यू मे राइट एज, क्या लिख सकते हो? V directly proportional to I, means potential difference is directly proportional to current. If the current will flow, current will increase, potential difference will increase. अगर ये proportionality हटाना होता है तो क्या करते हो आप? जब भी proportionality हटाते हैं हम लगाते हैं कोई constant। proportionality हटाने के बाद हमने लगा दिया equal का sign, जो I था उसको एज इट इज लिख दिया, साथ में क्या लगा दिया? एक कांस्टेंट लगा दिया। दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड हियर एज R। यहां पे उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और उस कांस्टेंट को नाम देते हैं रेजिस्टेंस। दिस कैपिटल R इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। दिस वेरीज, ये जो R है वेरी करता है, किसके साथ वेरी करता है? मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। हर एक मटेरियल के लिए अलग रेजिस्टेंस होती है। एंड आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है ये आर की वैल्यू? कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, जो डिपेंड करता है मटेरियल पे, नेचर यू मे राइट, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे। और ये एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए? दिस इज एन एक्सप्रेशन वी इज इक्वल टू आई आर फॉर द ओम्स लॉ। और आइदर यू मे राइट लाइक दिस, वी अपॉन आई That is equal to what? That is equal to R. From here, यहां से हम क्या कर सकते बेटे? एक another definition create कर सकते हैं। ये क्या हो गया? Ratio. किन का ratio? Potential difference और current का ratio. That is equal to what? Constant. Which constant? Resistance. तो यहां से एक another definition आ सकती ओम्स लॉ की। वो क्या definition आ गई? That is the ratio of, किसकी रेशियो? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और यू मे राइट इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो यहां से एक अनदर डेफिनेशन आ गई है. बट एक कंडीशन शुरू में हमने लगाई है, क्या? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. यू मे राइट हियर एज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मीन्स इफ द टेम्परेचर विल नॉट वेरी देन दिस लॉ विल बी फॉलोड. यहां पे भी वही कंडीशन है कि टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए, तभी रेजिस्टेंस उसकी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओम्स लॉ को. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने करना है. हाउ? एक एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, दो फैक्टर हैं करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. एक एक्सिस पे आप करंट शो कर लीजिए, एक एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस शो कर लीजिए. बिकॉज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ग्राफ इनका कैसा आना चाहिए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फैक्टर होते हैं उस पर ग्राफ कैसे आता है. एक एक्सिस पे ले लिया मैंने करंट, दूसरे एक्सिस पे ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस. द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. दिस इज द ओ पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट. तो दिस शोज दैट एज द वैल्यू ऑफ आई विल इंक्रीज, वी विल ऑल्सो इंक्रीज. तो विच इज डायरेक्टली शोइंग दैट बोथ ऑफ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दोनों फैक्टर एक दूसरे पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहां तक तो आप एग्जाम में ड्राइव करेंगे क्या, इसका डेरिवेशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और साथ ही साथ में पूछा जाता है हाउ इट कैन बी वेरीफाइड, हाउ इट कैन बी वेरीफाइड, कैसे इसको वेरीफाई किया जा सकता है इन द लेबॉरट्री, हाउ इट कैन बी वेरीफाइड इन द लेबॉरट्री. लेट अस सी हाउ वी कैन वेरीफाई इन द लेबॉरट्री. तो फर्दर बेटे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है इसको कैसे लैब में, वो करेंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उस क्वेश्चन का, हाउ टू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली. अभी हमने पढ़ा इसका कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट दैट इज कॉन्स्टेंट. तो वेरीफाई भी हमने यही करना है कि इन दोनों की रेशियो जो है कॉन्स्टेंट रहती है, जब इन दोनों की रेशियो किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है. तो इसके लिए एक हम सर्किट बना लिया हमने, सर्किट कनेक्ट करेंगे जिसमें क्या क्या यूज करेंगे, एक स्विच यूज करेंगे जिसको मैंने एस नाम दे दिया, एक बैटरी यूज करेंगे विच इज रिटन हियर एज अ कैपिटल बी, करंट क्योंकि नोट करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमने अटैच कर दिया एमीटर. दूसरे रेशियो कौन से चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने के लिए हमने इसके पैरेलल पे, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल पे, रेजिस्टेंस जो है उसको ये अप डाउन्स जो मैंने शो किए हैं, जिगजैग लाइन शो की है, ये रेजिस्टेंस के लिए है, उसको कनेक्ट कर दिया है, और उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है वोल्टमीटर. वोल्टमीटर के बाद ये कनेक्ट कर दिया मैंने विद द रियोस्टैट. ये जो मैंने यहाँ पे आपको कि ये और ये एक जैसे ही हैं, हाँ ऑफकोर्स एक जैसे ही हैं, ये भी सिंबल रेजिस्टेंस का, ये भी सिंबल रेजिस्टेंस का है, बट इसके ऊपर कंडक्टिंग वायर जब शो कर दी है तो इट बिकम्स रियोस्टैट, इट बिकम्स रियोस्टैट और आल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस विच कैन वेरी. ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, इसमें डिफरेंस क्या है, इट इज अ फिक्स रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस है जिसको हमने मेजर करना है, यहां से हम वेरी करवा के किसको चेंज करवाएंगे, अल्टरेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज करेंगे. तो यहां से आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो. शुरू में हमने ये रेशियो चेक करनी है कॉन्स्टेंट रहती है कि नहीं रहती है. एट इनिशियल द सर्किट इज ओपन,
When the circuit is open, no current will flow. No reading in the ammeter, no reading in voltmeter. But when this switch is closed, current will start flowing through this circuit. अभी आप इसको क्या करोगे, एक मिनिमम रेजिस्टेंस पे रख देंगे, इनिशियली मिनिमम रेजिस्टेंस. क्यों? क्योंकि हमने शो क्या करना है, एज द करंट विल इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज. यही पढ़ा था ना हमने, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. तो हमने पहले मिनिमम डिस्टेंस पे रख, सॉरी मिनिमम रेजिस्टेंस पे रख दिया. नाउ वी विल नोट द रीडिंग ऑफ व्हाट, एमीटर एंड द वोल्टमीटर. तो बेटे हम एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करके देखेंगे. उसके लिए एक अपरेटस हमने, इसके लिए एक अपरेटस है, ओहम्स लॉ अपरेटस बोलते हैं, रेडीमेड अपरेटस है, जिसमें एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट और डीसी इनपुट सारा कुछ एक ही अपरेटस में कंबाइन किया हुआ है. इसके थ्रू हम रीडिंग लेंगे. जैसे कि आपको बताया, जब करंट ऑफ है, रियोस्टेट मिनिमम रीडिंग पे है, अब इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है. जैसे हम रियोस्टेट से एडजस्टमेंट करेंगे, वैसे ही रीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी. तो रियोस्टेट से मिनिमम एडजस्टमेंट कर दिया हमने, सपोज मिनिमम एडजस्टमेंट कर दिया है, ये मिनिमम एडजस्टमेंट कर दिया. इस पर आप देखेंगे, चेक करेंगे कि जो मिली एमीटर है वो 100 मिली एम्पियर शो कर रहा है, और वोल्टमीटर में आप चेक कर सकते हैं 1 वोल्ट रीडिंग है, 1 वोल्ट रीडिंग है उस टाइम पे. फर्दर अगर हम चेंज करते हैं रियोस्टैट से और लेट द करंट, हमने कर दिया 200 मिली एम्पियर, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं वोल्टमीटर में रीडिंग दैट इज 2 वोल्ट. फर्दर और एडजस्टमेंट कर देते हम, अब रियोस्टैट में चेंज करके हम करंट की वैल्यू 300 मिली एम्पियर पे ले आते हैं, 300 मिली एम्पियर पे. तो आप चेक कर सकते हो कि वोल्टमीटर में रीडिंग 3 वोल्ट हो गई है. इस तरीके से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज कर रहे हो, वोल्टेज भी इंक्रीज कर रही है. इसके लिए हमने जो यूज़ किया है वो है ओहम लॉ अपरेटस, जिसमें कंबाइंड अलग अलग एमीटर वोल्टमीटर नहीं, हमने कंबाइंड अटैच किया हुआ है. तो जो रीडिंग्स बेटे हमने ली हैं उस पे अपरेटस पे, वो रीडिंग्स मैंने यहाँ नोट कर दी हैं. आपने देखा था कि जब करंट 100 मिली एम्पियर्स था, उसको एम्पियर में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो करंट विल बी 0.1 एम्पियर. और वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पे कितना है, 1 है. आप रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं, आर दैट इज़ वी अपॉन आई. वी कितना है, 1, और आई कितना है, दैट इज 0.1. 1/0.1 मीन्स इट इज 10. सेकेंड वाले केस में देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 2 है और जो मिली एमीटर थी उसकी रीडिंग थी 200 मिली एम्पियर. ये चेक करते हैं तो इट विल बी 0.2 एम्पियर. अभी आप आर फिर से फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 2/0.2. ये भी कितना आ गया, 10. थर्ड नोट कर सकते हैं, रीडिंग करंट की 300 मिली एम्पियर्स थी और उसको अगर मैं एम्पियर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट इज 0.3 एम्पियर. और वोल्ट मीटर में रीडिंग थी उस टाइम पे 3 वोल्ट. लेट अस चेक, 3/0.3, दैट इज 10. तो क्योंकि ये रीडिंग हमने किसकी नोट की है, रीडिंग की है रेजिस्टेंस की. तो रेजिस्टेंस किस में होती है, ओम्स में होती है. तो साथ में ओम का सिंबल डाल देते हैं, ओमेगा. तो 10 ओम है, चेक कीजिए. इसका मतलब उस वोल्टमीटर में जो रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है,
10 ओहम्स, और रेशो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, हर रीडिंग में चेक करेंगे, रेशो सेम है। यही हमने प्रूफ करना था कि रेशो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस और दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेरी वेल प्रूव्ड बेटे। ये जो लॉ है बहुत ही इम्पोर्टेंस का लॉ है। फर्दर इसमें रेजिस्टेंस आएगा, उसी से रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल वगैरह बनेगा, तो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसको करना है। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जनरली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिस होती है, थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करवाते हैं। मैंने इसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आपको करवाई है, थ्रू अपरेटस करवाई है, और विजिबल है आपको। सो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने सारे क्लासमेट्स को एटलीस्ट एक बार देखने के लिए ज़रूर बोलना है। टेंथ के लिए भी ये हेल्पफुल है और प्लस टू फिजिक्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। ओम्स लॉ इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, बेटे हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में एक्सप्रेशन था पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की रेशियो हमेशा इक्वल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। तो फर्दर हमारा टॉपिक है आज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल मीनिंग देखे रेजिस्ट का, तो इन टर्म्स ऑफ करंट अगर देखना है, रेजिस्टेंस मींस इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। द फोर्स विद विच अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो करने में अपोज करता है जो, दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। दिस रेजिस्टेंस इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। Means if the current will increase, resistance will be less, and resistance will increase, current will be less. Resistance will increase means opposition to the current, flow of current that is increases. So what are the units of this SI unit for this resistance? क्या है SI unit इसके लिए, resistance के लिए? अगर आप resistance देखते हैं that is R. That is equal to V upon I. V voltage, potential difference, उसका unit क्या है? Volt. I current, current के unit क्या है? Ampere. अगर unit amount fix कर देते हैं तो resistance के unit है SI unit, they are ohm. SI unit of the resistance, they are ohm. Represented as omega. That is represented as letter omega. One ohm that is equal to 1 volt upon 1 ampere means 1 ohm की definition क्या हो गई? When a potential difference of 1 volt is applied across the conductor and the current flows is the 1 ampere, then it's said to be resistance is said to be 1 ohm. When the resistance is said to be 1 ohm, omega के spelling ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी? तो resistance is said to be 1 ohm when current of कितना current? Current of 1 ampere flows through a conductor. जब 1 ampere का करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करेगा, किस कंडक्टर में से फ्लो करेगा? अक्रॉस विच
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt इज अप्लाइड across which the potential difference of 1 volt is applied, the resistance is said to be, कितनी बोली जाती है उस टाइम पर रेजिस्टेंस, that resistance is said to be 1 ohm. Means 1 ohm is that amount of resistance when 1 volt potential difference is applied across the current ends of the current conductor and 1 ampere current flows through that conductor. And that unit is called as the ohm, represented by the letter omega. Omega आप pi की तरह बना सकते हैं, just like pi. तो omega is the unit for SI unit for the ohm. Simple. Ohm is the SI unit for the resistance. Then further, what are the factors on which resistance depends? Factors affecting resistance. एक तो मैंने simply बता दिया. यहां से देखते हैं तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस एंड करंट एंड वोल्टेज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, क्योंकि कल मैंने जब रेजिस्टेंस बताया था कि कांस्टेंट होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, उस टाइम पे हमने बात की थी दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल और नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दीज आर फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. So let us see in detail what are the factors on which resistance depend. So further is the factors. Factors affecting resistance. Factors which affects resistance. There are 4 factors which affects resistance. First factor is length. Kiski length? Length of the conductor through which current flows. The first is length of conductor. Another factor is that is area of cross section of conductor. और सिंपल शब्दों में आप बोल सकते थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग वायर. देन अनदर फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल एंड वन मोर फैक्टर दैट इज टेम्परेचर. दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस अफेक्ट और डिपेंड. How they affect the resistance, how they vary the resistance, let's check one by one. First factor is length of the conductor. Already told, resistance is represented by R. And experimentally, it is found that R is directly proportional to L. L means length of the conductor. And also it is found, it is inversely proportional to the area of cross section. अगर मैं इन दोनों को combine कर देता हूँ, तो R is proportional L upon A. Proportionality हटाना होता है, तो आपको पता क्या लगाते हो आप? Constant लगाते हो. यहाँ constant लगा देते हैं, ये हटा के equal का sign लगा दे, और constant लगा दिया. That is called as resistivity, rho. Resistivity. This is also the property of conductor. One of the property of conductor, which depends upon the nature of conductor. It varies conductor to conductor. Kuch metals ka resistivity high hota hai, kuch ka low hota hai. So resistivity. L is the length. A is the area of cross section. How it affects? First of all, यहाँ देखिए L directly proportional है. किस पर directly proportional है? Resistance. Resistance. It means the length of the conductor if increases, then resistance will also increase. And length if decreases, resistance will also decrease. In other words, you may say
If the area of cross section is same, material is same, and the temperature is same, the long wire will have, the long conductor will have much resistance as compared to the conductor of less length. Then another factor is area of cross section. Area of cross section, that is represented by capital A. It is written here, क्या दिख रहा है यहां से? Inversely proportional. Inversely proportional means, मैंने बोला area of cross section को simple शब्दों में लिखना हो तो that is thickness. It means if the thickness is more, resistance will be less. And if the thickness is less, resistance will be more. Or simply thickness, that is represented in terms of diameter of a conducting wire. Diameter of conducting wire. तो थिकनेस जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाती है? डायमीटर पे डिपेंड करती है, किसी वायर का डायमीटर क्या, कोई मोटी वायर है कोई पतली वायर है, हम किसके बेस पे बोलते हैं उसके डायमीटर के बेस पे. एंड इट इज फाउंड दैट दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर. इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर. डायरेक्टली नहीं है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ वायर. ओके, थर्ड फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल, अगर पहले वाले दोनों फैक्टर सेम रहते हैं, मतलब सेम लेंथ की वायर लेनी है और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर लेनी है. सपोज इट इज 1 mm थिक and the 1 meter length, then if we have two wires of one of copper, another of nichrome, तो दोनों का क्या अलग अलग होगा? Resistance अलग अलग होगा. Copper wire will have the less resistance and the nichrome wire will have more resistance. तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि नेचर ऑफ मटेरियल मींस नेचर मेटल कॉपर है कि मिक्सचर है नाइक्रोम अलॉय, तो उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. अनदर फैक्टर दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज. And if the temperature is decreased, resistance will also decrease. That is also having directly proportional relation.